अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारे कौमी हीरो अरशद नदीम, आपको हम सब की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद हो। आपने हमारे प्यारे मुल्क का नाम रोशन किया है पेरिस ओलंपिक्स में, और वहाँ पर इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है 92.97 मीटर के पास। इसके पास पास इन्होंने रिकॉर्ड ये कायम किया है, और जो इन्होंने जेवलिन थ्रो का मुकाबला था उसमें गोल्ड मेडल जीता है, और प्यारे मुल्क का नाम इन्होंने ऊंचा किया है। ये हमारा कहना है इनके लिए, और तमाम पाकिस्तानियों को हम मुबारकबाद देते हैं कि ये है इनकी मेहनत का सिला। इन्होंने कितनी मेहनत की थी और अल्लाह ताला ने इनको कामयाबी दी। इनके साथ सबकी दुआएं हैं, खसूसन इनकी माँ और बाप, उनकी दुआ इनके साथ है, और इन्होंने जो है बेपनाह मेहनत की। हम इनको सलाम करते हैं, और जो जो इनके साथ शामिल थे जिन्होंने इनको सपोर्ट किया, इनकी ट्रेनिंग की, उनको भी मुबारकबाद देते हैं। हमें इन कौमी हीरोज़ को बिल्कुल याद रखना चाहिए, और ये हमारे मुल्क का असासा हैं। क्या हमारी गवर्नमेंट इनका मुस्तकबिल में साथ देगी, इनकी ज़रूरियात का ख्याल रखेगी? क्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन पाएगा हमारे मुल्क में, जहाँ पर इन खेलों से मुतालिक जितने भी नए लोग हैं उनको ट्रेनिंग दी जाए, ताकि वो आगे चलकर मुस्तकबिल में हमारे प्यारे मुल्क का नाम रोशन करें? यह हमारा पैगाम है सबके लिए। कौन होगा, कौन होंगे जो इनका ख्याल रखेंगे? माजी में ऐसे कितने हमारे हीरोज़ जो गुमनामी की ज़िंदगी में हैं, क्या हमने उनको याद रखा है? बेतहाशा हमारे ऐसे हीरोज़ हैं जिन्होंने हमारे मुल्क का नाम रोशन किया, लेकिन वो एक तारीख के सफ़ों में गुम हो चुके हैं, किसी को नहीं पता। चंद लोगों को मालूम होगा। क्या जितनी भी पिछली हुकूमतें थीं उन्होंने उनका ख्याल रखा, उनकी ज़रूरियात को देखा? क्या ऐसा है? अल्लाह बेहतर जानता है। जहाँ तक खबरें हमने सुनी हैं, देखी हैं, कि हमारे जितने भी हीरोज़ गुजर चुके हैं जो माजी में हैं, उनके साथ क्या सलूक किया गया है, यहाँ तक भी खबरें सुनने में आई हैं कि उन्होंने अपने इन इनामात को बेचा और फिर उन्होंने अपनी ज़रूरियात को पूरा किया। ऐसा नहीं होना चाहिए, या फिर हम इनकी नाकदरी कर रहे हैं? हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें इनका ख्याल रखना चाहिए, इनकी ज़रूरियात को देखना चाहिए। हमारा यह मुतालबा है मौजूदा गवर्नमेंट से, और जो आने वाली गवर्नमेंट होगी, कि इन हीरोज़ को हमने याद रखना है, और इनकी खिदमात को हमने लाजमी सराहना है, और इन्हीं के ज़रिए नए नए जितने भी आने वाले होंगे हमारे खेलों से मुतालिक लोग, उनको ट्रेनिंग दिलवानी है, ताकि वो आगे चलकर हमारे मुल्क का नाम रोशन कर सकें। यह हमारा आज का पैगाम है सबके लिए, कि अल्लाह करे ऐसा ही हो जैसे हमने कहा है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नए नए मौजूआत के साथ। हमारी पूरी टीम आपका शुक्रिया अदा करती है। उर्दू टीवी 22 की पूरी टीम आपको सलाम कहती है। अरशद नदीम, हमारी यह दुआ है कि आप मज़ीद तरक्की करें। आमीन।